गाइस दिस वॉच फ्रीक वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉचेस के बारे में। तो इस वीडियो को दो पार्ट है, तो पहले पार्ट में तो हम उस रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे जो अनब्रेकेबल है और बाय द इनोवेशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। सेकंड पार्ट है उसमें बात करेंगे ब्रेकेबल रिकॉर्ड है जिसे आप देख सकते हैं लिस्ट में। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है द फर्स्ट पॉकेट वॉच, और दिस इज पीटर हेलिन की पोमेंटर वॉच जो कि 1505 में बनी थी जर्मनी में। इसके बारे में पहले मैं आपको एक वीडियो बता चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ वॉच, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और यहाँ पर भी मिल जाएंगी। फर्स्ट पॉकेट वॉच थी जो मैकेनिकल पॉकेट वॉच थी जिसमें सिर्फ आर का ही एक हैंड था। जर्मनी के वॉच मेकर पीटर हेलिन ने बनाई थी और कुछ इस तरह देखने वाली थी। ये एक पेंडेंट वॉच जिसे पेंडेंट की तरह कोट पे पहना करते थे। सेकेंड इज द फर्स्ट रिस्ट वॉच, तो इसके बारे में तो दो अलग अलग थ्योरी है। एक तो है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, अब्राहम लुई ब्रिगे जो ब्रिगे के फाउंडर हैं उन्होंने वॉच बनाए थे 1812 में, और ये चीज ब्रिगे के साइट पे भी है फर्स्ट रिस्ट वॉच का वो भी क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि सेकेंड जो पैटक फिलिप है वो भी 1868 में फर्स्ट रिस्ट वॉच बनाने का दावा करती है और इसका भी उनके वेबसाइट पे है। बट द डिफरेंस दोनों वॉच में डिफरेंस इतना ही है कि ये रिकॉर्ड जाता है कार्टियर ब्रांड को फर्स्ट पायलट वॉच। The next record is first waterproof and dustproof watch, and this record goes to Rolex. Rolex established in 1905 में और 1926 में उन्होंने केस का इन्वर्शन किया। इसे नाम दिया उन्होंने ओलेस्टर, जो कि आपको सभी Rolex की घड़ियों में मिल जाता है ओलेस्टर केस। The ओलेस्टर केस hold the record of the first waterproof watch in 1926. The next record is the first Tourbillion wrist watch. So of course Tourbillion का इन्वेंशन भी apparently Breguet ही अगला, he is the great watchmaker. But that time ये सिर्फ पॉकेटों में यूज हुआ करती थी, और wrist watch में आज ये एक लग्जरी आइटम बन गया है और सभी लग्जरी और महंगी घड़ियों में आपको Tourbillion देखने मिल जाता है। तो सुनो, द फर्स्ट Tourbillion wrist watch जो बनाई थी ओमेगा ने 1947 में, कैलिबर 30 आई द फर्स्ट wrist watch विद द Tourbillion। तो फर्स्ट Tourbillion रिकॉर्ड है अब्राहम लुई ब्रिगे के नाम पे, फर्स्ट Tourbillion wrist watch का रिकॉर्ड जाता है ओमेगा को। नेक्स्ट रिकॉर्ड इज द फर्स्ट मिनट रिपीटर, द फर्स्ट मिनट रिपीटर का रिकॉर्ड भी जाता है ब्रिगे वॉच को, बिकॉज अब्राहम लुई ब्रिगे ने ही मिनट रिपीटर का इन्वेंशन किया था। तो फर्स्ट मिनट रिपीटर जो है वो बनाई अब्राहम लुई ब्रिगे ने। The next record is the first watch on the moon. The first watch on the moon was Omega, and yes, in 1969, जब पहली बार इंसान मून पे गया था, जब उनके साथ में दो वॉच भी गई थी, Omega Speed Master Professional, बहुत ज़्यादा extreme testing किया गया था, उसके बाद में वॉच लेकर थे, तो दो जो वॉच है, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बर्ज एस्ट्रोनॉट के लिए, लेकिन जब फर्स्ट मैन ऑन द मून नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, तब उनके हाथ में घड़ी नहीं थी, बिकॉज उन्होंने वो अपनी Omega Speed Master जो है वो ट्रिप में छोड़ दिया था। और उनके बाद जो सेकेंड पर्सन ऑन द मून थे बर्ज एड्रिन, जब उन्होंने पहला कदम मून पे रखा तो ओमेगा उनके हाथ में थी और ओमेगा बन गई पहली घड़ी मून पे जाने वाली। उसका जो बहुत सारे डिफरेंट वॉचेस मून पे गई अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स के साथ में, ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल प्रोग्राम वाज द फर्स्ट वॉच जो मून पे गई है विद बज एड्रिन एंड नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद एक और आता है, फर्स्ट वॉच टू रीच द माउंट एवरेस्ट, जो पहली वॉच जो एवरेस्ट पे गई थी वो थी रोलेक्स। 1953 जो पहला आदमी थे सर एडमर्ड जो फर्स्ट टाइम अपने एवरेस्ट पे गए थे, उनके पास यही वॉच थी रोलेक्स ओलिसा परपेचुअल। और ये एक फोटो है जो उनके जाने से पहले बेस कैंप पे जिन्होंने हाथ में रोलेक्स की टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, और ये वहाँ पे भी वर्किंग कर रही थी। द नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इज द फर्स्ट वॉच वॉट, इसके बारे में पता है, इज द सीको एस्ट्रॉन 1969। और उसके बाद जैसे कि पूरा एवोल्यूशन हो गया है वॉच इंडस्ट्री में, बिकॉज क्वार्ट्ज़ वॉच ने बहुत ही कम टाइम में पूरा टेक ओवर कर लिया वॉच इंडस्ट्री को। एंड द लास्ट रिकॉर्ड इन द आवर लिस्ट इज द फर्स्ट स्मार्ट वॉच, द फर्स्ट स्मार्ट वॉच जो है वो लिनक्स बनाया था। 1998 में इसका फर्स्ट प्रोटोकॉल आया था और 2000 में इसने लॉन्च किया था लिनक्स ने, कुछ इस तरह की स्मार्ट वॉच थी। और बाद में इसी तरह की स्मार्ट वॉच में
इधर इनोवेशन होते हुए है धीरे धीरे सैमसंग मोटोरोला और 2015 में सबसे सक्सेसफुल स्मार्ट वॉच एप्पल ने अपना आई वॉच लॉन्च किया. दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉर्ड्स द अनब्रेकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड द सेकंड वीडियो जब भी आएगा तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. थैंक यू वेरी मच.